अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ। यूनिवर्सिटी तो कंप्लीट हो गई है मेरी, बस थोड़े से काम है यहाँ पे। जैसे ही हो जाएंगे मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगी। पापा के चले जाने के बाद समझ ही नहीं आता कि अपना गम किसके साथ शेयर करूं, किसके कंधे पर सर रख के रहूं। अब बहुत याद आती है खाला। रुतबा बेटी, तुम्हें पता है खुर्शीद पाकिस्तान में, हसनाबाद में? खाला वो फोन आया होगा, मैं शायद बिजी होंगी तो इसलिए सुन नहीं सकी। नहीं बेटा, ये मामला कुछ और है। खुर्शीद तुम्हारे जिक्र से ही दामन बचाने लगा है और ये बात मैं काफी अरसे से महसूस कर रही हूँ। मर्द साथ बड़ी बेभरोसा होती है रुतबा, नजरें फेरने में देर नहीं करती। वो जो उसकी दोस्त है ना तस्नीम, वो हर वक्त साय की तरह उसके साथ रहती है। मैं अभी बात कर रही थी तब भी वो उसके साथ थी। ये भी कोई बात हुई? उसने तुम्हें फोन तक नहीं किया। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई ना तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। कोई ऐसी वैसी बात? रुतबा बेटी, तुम बस जल्दी से ना खुर्शीद के पास चली जाओ, कहीं उसने तस्मीन से शादी तो नहीं कर ली। अच्छी बात है खाना, हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी खुशी से गुजारने का हक होना चाहिए। रुतबा जी खाला, अगर ऐसा है तो मैं हम दोनों को खुद मुबारकबाद दूंगी। आप फिक्र मत करिए।